दोस्तों नमस्कार। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है और आने वाले दिनों में यानी कि अगले 2-2.5 महीने में हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं इनके लिए चुनाव का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल तैयारी में है, तो वो लोग जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, अभिलाषा है या जो कहीं मन में ख्वाब संजोए हैं चंडीगढ़ का सफ़र करने के, वो भी आजकल गांव-गांव और गली मोहल्ले की खाक छान रहे हैं। ऐसे में जब राजनेता तैयारी कर रहे हैं तो फिर निगाह जाती है कि आखिर कौन क्या कर रहा है, किसका बेटर है, किसकी बात बन सकती है, किसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, ये तमाम बातें होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ पलवल विधानसभा क्षेत्र को लेकर और पलवल विधानसभा में खासकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग टिकट की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, फिर उनका प्रोफाइल क्या चल रहा है, काम का तरीका क्या है, लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं, उनको लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, अगला पिछला वो सब कुछ भी देखा जाता है। पलवल विधानसभा से इस समय विधायक हैं दीपक मंगला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दीपक मंगला को टिकट दिया विधानसभा का, वो चुनाव हार गए। 2019 में उनको फिर से टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। 2014 और 2019 के चुनाव के अंदर कई प्रकार की असमानताएं थी। 2014 का जो चुनाव था उस चुनाव के अंदर बीजेपी से दीपक मंगला थे, कांग्रेस से करण सिंह दलाल थे, इंडियन नेशनल लोकदल से सुभाष चौधरी थे, बहुजन समाज पार्टी से सुभाष कत्याल थे और चुनाव दीपक मंगला वो हार गए। अगला जो चुनाव हुआ 2019 का, उस 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दीपक मंगला थे और सामने कांग्रेस से करण सिंह दलाल थे। जो लोग 2014 का चुनाव लड़ रहे थे दीपक मंगला और करण सिंह दलाल के बीच में, सुभाष चौधरी थे, सुभाष कत्याल थे, वो दोनों लोग दीपक मंगला के साथ थे। इसके साथ साथ और तमाम जो पलवल के अंदर एक तरह से वो जो चुनाव था वो आमने सामने का चुनाव था, एंटी करण दलाल जो भी लोग थे वो सब दीपक मंगला के साथ थे। खैर, अब तैयारी 2024 की है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनमें तुलना क्या है, आखिर किसका क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख रूप से तो दीपक मंगला क्योंकि विधायक हैं तो उनकी तैयारी तो सबसे पहले है ही, लेकिन राजनीति के अंदर जैसे पूरे हरियाणा के अंदर एक बात चल पड़ी है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सेम उसी तर्ज पर 10 साल से दीपक मंगला पावर में है। जो 2014 का वो विधानसभा चुनाव हार गए उस दौरान वो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में पूरी तरह से पावरफुल रहे, यानी कि पलवल जिले की, नॉट ओनली पलवल विधानसभा, पलवल जिले की सारी ताकतें दीपक मंगला के पास थी। और अब जब 2019 से और 2024 का दौर चला, इस दौर के अंदर जब दीपक मंगला विधायक बन गए तो भी वो पावर में है और पलवल विधानसभा के अंदर उनकी भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में तो तूती बोलती है, यानी कि जो दीपक मंगला चाहते हैं वो होता है। अब जो लोग बात आ जाती है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके साथ में दीपक मंगला का आजकल का कार्य जो तरीका है काम करने का, मैं पिछले कई दीपक मंगला की फेसबुक पे ही देख रहा था, दीपक मंगला की फेसबुक वॉल पर, उनके फेसबुक पेज में दीपक मंगला कई आजकल उद्घाटन मुहूर्त ये सब तमाम विकास कार्य नगर परिषद के ग्रामीणों के ये सब चल रहे हैं और मैंने कई ऐसे पोस्टर्स पोस्ट देखी कि जिसके अंदर ये दिखता है कि दीपक मंगला के साथ में जहाँ जहाँ वो काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब विकास कार्य करने जाते हैं दोस्तों, जब विकास कार्यों का उद्घाटन शुभारंभ होता है तो फिर आप माने कि उस एरिया के लोगों के लिए वो एक सौगात होती है। लेकिन जो मैं खासकर दीपक मंगला जी के फेसबुक पेज पर ही देख रहा था उसके अंदर जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके आसपास के साथ रहने वाले लोग, नगर परिषद का चेयरमैन, 2-4 नगर परिषद के अधिकारी और 8-10 उनके साथ रहने वाले लोग, कुछ लोगों से मेरी बात भी हो रही थी, कई जगह पर वो जो नारियल फोड़ने या फीता काटने जाते हैं वो भी बात भी हुई, तो लोगों का कहना ये था कि रुझान कम है, आम लोगों का रुझान कम है, जो वहाँ के लोग हैं वो उन कार्यक्रमों में पहुँचते नहीं। और मैं आपसे बता रहा था कि अगर कोई सौगात देने जा रहा हो, अगर कहीं सौगात दी जाई जा रही हो, तो फिर तो बड़ी उम्मीद होती है कि वहाँ के लोगों में जोश उत्साह होगा,
लेकिन तमाम प्रकार के जितने भी ये नारियल फोड़ो अभियान चल रहे हैं वो नारियल फोड़ने तक सीमित रह जाता है। वहाँ पर नेताजी जाते हैं, जो हमारे विधायक जी उनके साथ में कुछ लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये उदासीनता है और ये उदासीनता कुछ संदेश देती है, कुछ संकेत देती है। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहला मैंने आपसे नाम दिया दीपक मंगला, उनकी बात हुई। अब दीपक मंगला के जो पैरलर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टिकट का तो सभी राइट रखते हैं, उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में जिन लोगों को लगता है कि हम भी जीत सकते हैं वो चुनाव मैदान में कूद जाते हैं, और जो लोग पार्टियों के वफादार सिपाही होते हैं वो पार्टी में रुके रहते हैं। मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि कौन लोग चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जो तैयारियाँ हैं। आपको एक बात और जोड़ता चलूँ कि मैंने कई देखा है दीपक मंगला के फ्लैक्स बोर्ड आजकल बहुत लगे हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से तमाम दीवारें अटी हुई हैं दीपक मंगला के फ्लैक्स बोर्ड से। और जो पब्लिक वाला जो मैंने आपको बताया कि जो लोगों का उनके प्रति नज़रिया है या लोगों की उनके प्रति जो होनी चाहिए उनके साथ जुड़ाव वाला, उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई पड़ती है। अगर अगला नाम कहें तो जो अगली तैयारी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से गौरव गौतम का नाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पोस्ट पर काफ़ी दिखाई पड़ता है। गौरव गौतम के भी आप ये लगा लें कि इतना बोर्ड शहर के अंदर फ्लैक्स बोर्ड आपको दिखाई देगा कि कोई शायद ऐसा खंभा हो जहां पर नेताजी के पोस्टर ना लटके पड़े हों। खैर, गौरव गौतम भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके भी कुछ देख रहा था पोस्ट। गौरव गौतम जो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की फेसबुक पेज पर मैं देख रहा था कि उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत शोर शराबा शानो शौकत दिखाने की कोशिश हो, लेकिन जो अगर पब्लिक की बात आ जाती है तो उसके बाद लोगों के बीच में एक डिफरेंट बटिया आ जाता है कि क्या गौरव गौतम को टिकट मिलेगा। कारण कि फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं और हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, जब चुनाव में टिकट वितरण करता है तो फिर उसके अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर या पूरे ज़िले में कास्टवाइज समीकरण बनाए जाते हैं कि जातिगत समीकरण क्या है। अगर गौरव गौतम की बात करें तो फिर यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में फरीदाबाद लोकसभा के अंदर दो नेता तो मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका लगभग लगभग तय है टिकट का बात। पहले नाम तो आता है मूलचंद शर्मा का, जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक है, उनके नाम के आगे कोई मुझे इफेंट बट दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ कई चर्चाएं ये दिखाई दे जाती हैं कि मूलचंद शर्मा का क्षेत्र बदल दिया जाए, यानी कि बल्लभगढ़ की जगह कुछ और हो जाए, लेकिन यानी कि बल्लभगढ़ से NIT हो जाए, लेकिन मूलचंद शर्मा का टिकट कटना कहीं लोग समझ नहीं पाते। अब अगर अगली बात आती है तो फिर टेकचंद शर्मा है, उनका प्रथला विधानसभा के लिए जिस प्रकार से उनका कारवां बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ ना कुछ उनको भी इशारा है और उनका भी लगभग लगभग कुछ तय सा है। ऐसे में अगर दो लोग हो जाते हैं तो फिर अगली निगाह नहीं जाएगी। तीसरा नाम एक और है जिसके लिए बड़ी गंभीरता से बात चलती है, वो है अजय गौड़। अजय गौड़ भी तैयारी कर रहे हैं और अजय गौड़ को भी है कि कहीं टिकट की बात बन जाए, फरीदाबाद लोकसभा से क्षेत्र में है, वो भी फरीदाबाद विधानसभा से बन जाए या NIT हो या बल्लभगढ़, कहीं उनका भी जुगाड़ लग जाए। तो यानी कि ये दो तीन गंभीर दावेदार हैं। इसके बाद में बात आती है कि क्या गौरव गौतम को उस गंभीरता से लिया जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों के जुड़ाव का, तो मुझे वो उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे प्रायोजित हों पूरी तरह से, कि जिस प्रकार का प्रायोजन होता है किसी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम हुआ करते हैं। एक कार्यक्रम वो होता है जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट होता है और एक कार्यक्रम वो होता है जो दिए जाते हैं। खैर, अगर अगला नाम कहें तो अगला नाम ले सकते हैं राजीव कत्याल, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के बेटे हैं, आजकल वो भी पूरे सक्रिय हैं, उनकी भी मैं फेसबुक पेज ही देख रहा था और उनसे उनके जो कुछ लोगों से बात भी हो रही थी। उनका मैंने एक ही कार्यक्रम देखा, एक कार्यक्रम न्यू कॉलोनी के अंदर था। न्यू कॉलोनी को आप माने कि पलवल की जो शहरी राजधानी आप उसे कह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर VIP कल्चर टाइप का सा है न्यू कॉलोनी के अंदर, और वो कार्यक्रम में उसमें उनके जिस प्रकार की भीड़ दिखाई पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे महिलाएं पुरुष उसके अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको राजीव कत्याल के बारे में बताऊं कि तो राजीव कत्याल के पिता सुभाष कत्याल विधायक रहे हैं, पलवल में मंत्री रहे हैं सरकार के अंदर, उसके बाद में वो चेयरमैन रहे हैं, एक बार HERC यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर, एक बार हैफेड के चेयरमैन भी रहे हैं, एक बार हरियाणा वीकर सेक्शन के चेयर, मतलब सत्ता में काफ़ी समय उनकी, भले ही विधायक तो एक बार बने लेकिन दखलंदाजी खूब रही है।
और दूसरी बात दोस्तों, राजनीति के अंदर विधायक बनना या कितनी बार चुनाव जीतना है हारना ये कम मायने रखता है। बात ये होती है कि जनता किनको नेता मान रही है। अगर उस दौर में देखें तो फिर पलवल के अंदर करण सिंह दलाल को जनता नेता मानती है, सुभाष कत्याल को जनता नेता मानती है, सुभाष चौधरी को नेता मानती है, दीपक मंगला को नेता मानती है। तो सुभाष कत्याल राजीव कत्याल के पिता हैं और सुभाष कत्याल जब मंत्री रहे या वो जब सत्ता में रहे तो उनके बारे में एक बात जरूर आ जाती है कि ईमानदारी प्लस शराफत, यानी कि दो चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई हैं और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं राजीव कत्याल को भी मिलता है। मैं इसके साथ देख रहा था उनकी आज की पोस्ट ही जो देख रहा था फेसबुक पे, उससे पहले उनका एक काशीपुर गांव है, वो बैसलात का गांव है, उसके अंदर भी एक अच्छा आयोजन था। तो यानी कि अगर जो मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ कि दीपक मंगला विधायक फुल पावर में, गौरव गौतम भी भारतीय जनता पार्टी की जो, क्योंकि जो गौरव गौतम का जो प्रोफाइल था वो कभी भाजपा के जो हरियाणा के प्रभारी थे अनिल जैन, उनके वो सलाहकार साथी सहयोगी के रूप में हुआ करते थे और वहाँ से उनको एक क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया बड़ा। और उसके बाद में अगर आता है तो राजीव कत्याल के पास में कोई ऐसा ना तो, हालांकि वो पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तो हैं लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लोगों के साथ जैसा दिखता है उस प्रकार का व्यवहार बरताव, वो लगता है कि जैसे आत्मीयता वाला होता है। अगर अगली बात कहें तो बीरपाल दीक्षित भी आजकल पूरे खासे सक्रिय हैं, गांव-गांव में उनका वो जाते हुए दिखाई देते हैं, अपने फ़ोटोज़ वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, फेसबुक पे उनके फ़ोटोज़ हुआ करते हैं जिनको वो पोस्ट करते हैं और उसके साथ साथ लिखते हैं कि आज यहाँ गया वहाँ गया। उनके कोई बड़े आयोजन तो मुझे बीरपाल दीक्षित के नहीं दिखाई देते, लेकिन जो जुड़ाव उनका भी है वो लोगों से आत्मीयता वाला होता है। लोग उनके साथ में उनका जो, बीरपाल दीक्षित के बारे में बता दूँ कि बीरपाल दीक्षित के पिता पंडित किशन चंद दीक्षित 2 बार पलवल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 1987 में और 1996 में 2 विधानसभा चुनाव लड़े, दोनों चुनाव वो जीत नहीं पाए, दोनों चुनाव हार गए। लेकिन किशन चंद दीक्षित भी और उनके बेटे वीरपाल दीक्षित के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी सौम्य हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका अच्छा है, अच्छे ढंग से पेश आते हैं। लेकिन वीरपाल दीक्षित के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि उनके कोई मैंने ऐसे बड़े कोई सभाओं वाले आयोजन उनके कहीं उनकी फेसबुक पोस्ट पर दिखाई नहीं दिए, वही उनका लोगों के खुशी गमी में जाना और मैन टू मैन संपर्क वाले उनके फोटोज़ दिखाई पड़ते हैं। अगर अगला बात कहूँ तो इसके अंदर संजय गुर्जर का नाम भी है, संजय गुर्जर भी खासे सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजय गुर्जर भी आजकल उनके भी फेसबुक प्रोफाइल पर खूब कुछ दिखता है, लेकिन यहाँ भी वही बात आ जाती है कि संजय गुर्जर सक्रिय तो हैं लेकिन संजय गुर्जर के कोई बड़े आयोजन मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। वो जरूर है कि वो भी मैन टू मैन संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अगला मैं नाम कहूँ तो सतबीर पटेल भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, लंबे टाइम से सक्रिय हैं, बैसलात के हैं, बड़ौली गांव में उनका जो पैतृक गांव बड़ौली है और पलवल की ओमेक सिटी में रहते हैं, पलवल के अंदर उनका स्कूल भी है। सतबीर पटेल के पक्ष में अभी बड़ौली गांव में एक पंचायत हुई थी और पंचायत में सतबीर पटेल को लिए मांग की गई कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए। सतबीर पटेल भी सक्रिय खासे रहते हैं और कृष्णपाल गुर्जर के काफ़ी नज़दीक हैं। और जो और नाम कहूँ तो कुंवर हरिंदर पाल राणा का नाम भी चलता है, उनके भी मैंने कई स्थानों पर बोर्ड पोस्टर देखे हैं और कुंवर हरिंदर पाल राणा आजकल लगे हुए हैं रानी पद्मावती कॉलेज के उद्घाटन समारोह के लिए और उसमें मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं वो। अब अगर मैं आगे एक बार फिर से दोबारा उन्हीं नामों पर वापसी एक बार आपके साथ दोबारा चर्चा करें तो दीपक मंगला के लिए जो मैंने आपको बताया कि दीपक मंगला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, पार्टी में ठीक ठाक पकड़ है, अच्छी पकड़ है। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छी यूँ नहीं मानता कि 2019 में जब दीपक मंगला विधायक बने, जो अग्रवाल समाज के हरियाणा के बीजेपी के नेता जो आजकल हैं, जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं, आपको मैं उनमें बताऊं तो केवल एक दो नाम ही ऐसे आते हैं कि जिनको सत्ता में मजबूत दावेदारी या सत्ता के अंदर मजबूत भागीदारी नहीं मिली। अब इस समय भी विधायक असीम गोयल हैं वो मंत्री हैं, ज्ञानचंद गुप्ता हैं विधायक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनके साथ कमल गुप्ता हैं वो मंत्री हैं, बाकी आप देखें तो विपुल गोयल हैं पूर्व मंत्री हैं, पूर्व में विधायक थे वो। एक सुधीर सिंगला का नंबर नहीं आया और एक दीपक मंगला का नंबर नहीं आया, मैं कह सकता हूँ। घनश्याम सर्राफ हैं भिवानी के, उनको मंत्री बनाया गया, बाद में कुछ बात हुई तो वो हटे। और भी काफ़ी सारे नाम हैं अग्रवाल समाज के, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो दीपक मंगला की पकड़ तो ठीक है
लेकिन उनको मंत्री ना बनाया जाना कहीं ना कहीं ये बात भी जाती है कि वो जो पकड़ वाली बात है वो इतनी बड़ी मजबूत भी नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात भी देखी जाएगी। अगला मैं जो आपसे नाम कह रहा था राजीव कत्याल का, तो 2014 का चुनाव उन्होंने, उनके पिता ने लड़ा था, 2019 में उनका नाम टिकट में चला था, और अगर 2024 की बात करें तो अब की बार वो भी गंभीर दावेदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो भी कहीं सुभाष कत्याल को, राजीव कत्याल को पसंद करते हैं। राजीव कत्याल के बारे में एक बात और आ जाती है कि पूरे दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले ऐसे पंजाबी नेता हैं जो टिकट की दौड़ में है या जो चुनाव लड़ने की दौड़ में है। अगर अगला नाम मैं आपसे गौरव गौतम का मैंने कहा था, तो गौरव गौतम की पार्टी हाईकमान में पकड़ तो है, उनको लोग, जैसे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं, बड़े अच्छे उनसे संबंध हैं, और तमाम जो नेता हैं, क्योंकि जो पुराना वाला प्रोफाइल गौरव गौतम का था वो काम आता है। लेकिन टिकट के लिए मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर दो ब्राह्मण या वहाँ से हो गए तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी। अगर आगे आपसे बात करी थी मैंने सतबीर पटेल, संजय गुर्जर, इन लोगों की बात की थी, तो गुर्जर समाज में अगर टिकट जाती है तो फिर शायद सतबीर पटेल के नाम पर विचार हो या फिर संजय गुर्जर पर भी विचार हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुर्जर समाज पर टिकट शायद पलवल की ना जाए, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर तिगांव और NIT दो विधानसभा, यहाँ सर लगभग संभावित कैंडिडेट गुर्जर होने हैं, तो इसलिए एक लोकसभा में दो टिकटों के बाद गुंजाइश कम बच जाती है। कुंवर हरिंदरपाल राणा के लिए मैं आपसे कहूँ तो सौम्य नेता तो हैं लेकिन आजकल भागदौड़ भी कर रहे हैं पूरी, टिकट के मामले में यहाँ भी यही आ जाता है कि क्या राजपूत समाज को भागीदारी मिलेगी। तो जो आपको मैं बता रहा था कि पलवल विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इनके अंदर अगर गंभीरता से, जो मैंने आपसे तीनों नाम लिए, आप उन्हीं में सोच लें कि उन तीनों नामों में कुछ चल रहा है, लेकिन जब कंपेयर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दीपक मंगला भी पूरी रेस में हैं, राजीव कत्याल भी पूरी रेस में हैं, गौरव गौतम भी पूरी रेस में हैं, लेकिन इस सब के बीच में राजीव कत्याल अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है पलवल विधानसभा क्षेत्र में क्या हो सकता है, क्या दीपक मंगला की टिकट को कोई खतरा होगा या फिर पार्टी उन पर विश्वास जताएगी, और अगर दीपक मंगला की टिकट कटती है तो हमने आपको जो नाम बताए इनमें से कौन संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।